हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा ट्यूटोरियल है वो है 3D जाली पैनल्स फॉर रैबिट आर्किटेक्चर। सो 3D पैनल्स क्या होते हैं आपको हम दिखाते हैं। 3D जाली ब्लॉक्स, तो ये आपके आजकल ये अलग अलग मटेरियल के आते हैं 3D जाली ब्लॉक्स, जैसे टेराकोटा की आती है ना, और आपके ACC ब्लॉक्स आते हैं जो कि अपने वॉल पैनल के थ्रू हम इसमें रैबिट आर्किटेक्चर में क्रिएट करना आपको आज सिखाएंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको वीडियो सही लगे तो उसको प्लीज़ शेयर ज़रूर करिएगा। तो अपनी वीडियो हम स्टार्ट करते हैं, ये आपका ट्यूटोरियल स्टार्ट होता है। सबसे पहले आपको क्या करना है, फाइल में जाना है और न्यू पे सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ से सेलेक्ट करेंगे फैमिली ऑप्शन। आपको यहाँ करना क्या है, एक कर्टेन पैनल का वॉल सेलेक्ट कर लेना है, कर्टेन वॉल पैनल फैमिली, देन ओपन। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे एक्सटीरियर एलिवेशन पे जाएंगे आप। आपको यहाँ एक पैनल के लिए एक रेफरेंस प्लेन सबसे पहले क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ जैसे कि हम देख सकते हैं कि रेफरेंस प्लेन ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे हम, और सिंपल सा एक प्लेन आपको क्रिएट कर लेना है। तो गाइज आप देख रहे हैं कि आपका एक प्लेन क्रिएट हो चुका है यहाँ पे। अब इसके बीच में हम डायमेंशन स्पेसिफाई करेंगे, तो डायमेंशंस के लिए वापस हम जाएंगे एनोटेट टैब में। यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है अलाइन डायमेंशन, और पैनल बनाने के लिए आपने क्या किया, एक डायमेंशन यहाँ से स्पेसिफाई कर दी। फिर सेम यहाँ से ये हमने एक और डायमेंशन सप्लाई कर दी, जस्ट ये एक डायमेंशंस, फिर ये डायमेंशंस, और एक टोटल डायमेंशंस हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। फिर इसको सेलेक्ट करेंगे हम, ये डायमेंशंस आपकी क्या हो गई, अप्लाई हो चुकी है। अब आपको अपना एक मॉडल क्रिएट करना है, तो मॉडल क्रिएट करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, क्रिएट पैनल में जाना है, और आपको यहाँ से इसका सबसे पहले डायमेंशन स्पेसिफाई कर देते हैं हम। इसको हमने 2 फिट 1 फिट ये दिया। नेक्स्ट आपने इसको 2 फिट दे दिया। ये 2 फिट, इसको आप नेम स्पेसिफाई कर सकते हैं, हाइट, ठीक है, और डायमेंशन को सेलेक्ट करके आप इसका पैरामीटर भी यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं, जो भी पैरामीटर आपको क्रिएट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास आता है मॉडल इन प्लेस टूल्स के लिए एक्सट्रूजन। आपको जैसा भी मॉडल क्रिएट करना है, आपने ये क्रिएट कर दिया और चारों तरफ हमने इसको लॉक कर दिया। देन हमने जो भी डिज़ाइन आपको क्रिएट करनी है, ऑफसेट टूल लिया मैंने, और यहाँ 2 इंच, और ख़ास ध्यान रखना है इंटरसेक्ट ना करे वॉल्स आपस में लाइंस। तो ये अभी हम एक यहाँ से मॉडल क्रिएट कर रहे हैं। फिर अगेन हमने लाइन टूल सेलेक्ट करके ये क्रिएट किया, फिर इसको हमने मिरर करा दिया, देन ये आपका मिरर हो गया। फिर ऑफसेट टूल लेके हमने सेम एज इट इज इसको भी यहाँ से मिरर कर दिया। फिर गाइस आपको स्प्लिट टूल लेना है, कॉर्नर्स पे आपको स्प्लिट करा देना है। ये आप देख सकते हैं स्प्लिट SLD टूल यूज करके आपने चीजों को क्या कर दिया, स्प्लिट कर दिया यहां से।
आप देख सकते हैं। स्प्लिट टूल लिया ये और ये क्लिक कर दिया हमने। तो जैसा भी आपको पैनल की डिज़ाइन देनी है वो आपने यहाँ से क्रिएट करके देन फिनिश कर दिया। इसकी एक पर्टिकुलर हम थिकनेस भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, अपने इसको थिकनेस प्रोवाइड कर देंगे। यहाँ से हमने 2 इंच का थिकनेस प्रोवाइड कर दिया। तो देखिए आपका एक पैनल का यहाँ से डिज़ाइन ये क्रिएट हो गया है। और इसको हम मटेरियल भी अप्लाई कर सकते हैं यहाँ से, जो भी मटेरियल आपको चाहिए। हमने पर्टिकुलर कोई मटेरियल ले लिया, देन हम क्या करेंगे, लोड इनटू प्रोजेक्ट कराएंगे और एक कर्टेन वॉल यहाँ से क्रिएट करेंगे। तो कर्टेन वॉल है अपने पास, तो हम बाहर पहले करके दिखाते हैं आपको। हमने एक कर्टेन वॉल क्रिएट कर दी जिसकी हम हाइट कर देते हैं 20 फिट अप्रॉक्स। आपको वो जो आपने फैमिली क्रिएट की है उसको आपको इसमें अप्लाई करना है। तो फर्स्ट आपको करना क्या पड़ेगा, एडिट टाइप में जाएंगे, अब इसका हॉरिजॉन्टल लेआउट, इसका फिक्स डायमेंशन दे देंगे आप। हमने दे दिया यहाँ पे आपका 1 फिट एंड वर्टिकल 2 फिट देन 1 फिट। ठीक है, इसके बाद आपको कहाँ जाना है, कंटेंट कर्टन पैनल में जे आपने जो भी फैमिली क्रिएट की है, फैमिली 3 नाम से है, और इसको अप्लाई करके ओके कर दीजिए। तो ये देखिए आपकी जो जाली वर्क है वो क्रिएट हो गई। तो कितना इजी है गाइज इसको क्रिएट करना, और एडिट टाइप में जाके इसका वर्टिकल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आप सेलेक्ट करके अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए अब आपको कर्व वॉल बनानी है, तो कर्टेन वॉल लेके सिंपल सा आर्च टूल लेके आप इसको क्रिएट करेंगे। अब इसी चीज़ को आपको प्लान में अपने आपके प्लान में एग्जीक्यूट करना है। तो यहाँ पे जाएंगे आप, एक ऑटोमेटिकली एम्बेड ऑप्शन दे रखा है जिसके थ्रू वॉल के बीच में आपको ड्रॉ करना है। तो ये क्या करेगा, ऑटोमेटिक वहाँ पे वॉल्स आपकी क्रिएट कट कर देगा। आप देख सकते हैं जो जाली वर्क बनाना है इसमें कितना इजी और सिंपल है। तो अगर आपको ये वीडियो हमारी समझ में आई तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, थैंक यू। तो यहाँ से इसका देखिए लेआउट आपका प्रॉपर ही क्रिएट हो चुका है, जिसमें कि आप अपने मटेरियल को यूज़ कर सकते हैं। अगर वापस आपको नॉर्मल करना है तो यहाँ से आप नन पे क्लिक करके आपका वापस देखिए ग्लास पैनल वो क्रिएट हो जाएगा। तो ये आपका क्या है, सीएनसी पैनल जाली डिज़ाइंस हैं जो कि हमने रैबिट आर्किटेक्चर में क्रिएट करके आपको सिखाई है इस ट्यूटोरियल में।